बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस शहजाद अल्टीमेट टेस्टी किचन में आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हम बनाएंगे बर्फ़ी दूध के साथ। अक्सर तो ड्राई मिल्क के साथ बनाते हैं, लेकिन हम फ्रेश मिल्क के साथ बनाएंगे। ये मैंने एक मोटे पैंदे की, भारी पैंदे की कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है और इसमें मैं 5 लीटर दूध डालूँगी। ये मैंने इसमें 5 लीटर दूध डाल दिया। अब मैं इसे एक उबालने के लिए रख दूंगी। जब इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसका जो है फ्लेम कम करके तो इसे मैं मुसलसल जो है ना पकाऊंगी और चम्मच चलाते रहेंगे। फिर जब बॉयल आ जाएगा फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी। ये देखिए, इसमें एक बॉयल आ गया। अब मैं इस चम्मच के साथ बस इसमें इसी तरह चम्मच चलाती जा रही। मलाई जो है वो ऊपर हमने जमने नहीं देनी, मुसलसल फ्लेम हम हल्का कर देंगे और बस जो ये साइड्स पे इस तरह जमेगी उसे जिस तरह हम हटा लेंगे ताकि और बस हम चम्मच चलाते जाएंगे। बस तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो गया और ये दूध जो है काफ़ी हद तक रेडी हो गया, लेकिन अभी हम इसे और बस इसी तरह चम्मच चलाते रहेंगे और खाते रहेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, ये अभी जो दूध है वो काफ़ी रेड्यूस हो गया और अब इस शेप पे मैं इसमें तकरीबन 250 ग्राम जो है ये मैंने चीनी, देखिए ये मिक्स करके, और साथ ही मैं वो 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इलायची पाउडर, ताकि चीनी जो है वो अपना पानी छोड़े तो फिर वो इस दौरान उसका पानी भी रिड्यूस हो जाएगा और बर्फी जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए व्यूअर्स, अब ये गाढ़ी हो गई है। अब ये जो है इसे इस तरह का घोटना या मधानी या कोई भी लकड़ी का चम्मच लेके अब इसे हम इस तरह बिल्कुल, मैंने लो फ्लेम पे इसे रखा हुआ है और मैं इसे इस तरह इसकी रगड़ाई करनी है, इसे इस तरह रगड़ना है। ये देखिए बस, अब ये बिल्कुल जो है ना बर्फी रेडी है। मैंने इसे अच्छी तरह जो है ना फ्लेम ऑफ था, बस इसे इस घोटने से ही मैंने इस तरह मुलायम किया। अब मैं इसे ट्रे में निकालूंगी, फिर तकरीबन इसे 4 से 5 घंटे लगेंगे सेट होने में, फिर हम दिखाएंगे आपको। जब सेट हो जाएगी फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये अभी बर्फ़ी जो है ये सेट हो गई है। अब मैं इसे कट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी बर्फी तैयार हो गई है। अब इसे हम डिश आउट कर रहे हैं। ये व्यूअर्स बर्फ़ी तैयार है। मैं आपको बताऊँ, मिठाई बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है कि बंदे में पेशेंस हो, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है मिठाई बनने में। और ये देखिए घर की साफ़ सुथरी बर्फ़ी तैयार है। मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा,
इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।